हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सयूवी 300 के बेस मॉडल में जो मॉडिफिकेशन इस गाड़ी में हमने करवा रखी है, साथ ही साथ मैं सभी का कॉस्ट बताता रहूँगा। ये सभी मॉडिफिकेशन हमने कंपनी शोरूम से करवा रखी है। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है ये फ्रंट एंड रियर बम्पर एड ऑन किट। ये काफ़ी मस्कुलर लुक देता है गाड़ी को। ये बैक पोर्शन है इसका, फ्रंट से आइए हम देखते हैं ये कैसा लगता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मस्कुलर लुक आपकी गाड़ी को मिलती है इससे। इसका कॉस्ट है 13,490 रुपीज़। नेक्स्ट हमने इसमें इंस्टॉल कर रखी है फ्रंट फॉग लैम्प असेंबली। ये दोनों पीस का टोटल कॉस्ट होता है 4,467 रुपीज़। थर्ड ये आप देख रहे हैं रूफ रेल, जिसकी कॉस्ट है 4,800 रुपीज़। ये काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देता है साइड से व्हीकल को। एंड नेक्स्ट इज स्पॉइलर। स्पॉइलर की कॉस्ट है 3,520 रुपीज़, बट ये स्पॉइलर अनपेंटेड आता है, तो आपको इसको पेंट और इंस्टॉल करने के लिए 4,000 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा पे किया था। नेक्स्ट इज रिमोट सेंट्रल लॉक, जिसकी कॉस्ट है 4,030 रुपीज़, और ऐसे आपको दो कीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ क्रोम हैंडल, जिसकी कॉस्ट है 1,095। ये काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। ज़्यादा क्रोम का काम मैंने गाड़ी में करवा नहीं रखा है। देन नेक्स्ट यू कैन सी डोर वाइज़र और रेन वाइज़र, इसकी कॉस्ट है 2,440 रुपीज़। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इस गाड़ी में इंस्टॉल कर रखी है अलॉय व्हील्स, जो कि इस गाड़ी के लुक को कम्प्लीटली इन्हांस करती है। इसकी कॉस्ट थी टोटल 46,000 रुपीज़ फॉर ऑल द फोर व्हील्स। कैलिपर्स मैंने खुद से रेड पेंट किया है, जो कि फर्दर इस गाड़ी के लुक्स को इन्हांस करती है। इसके लिए वीडियो मैंने अलग से पोस्ट कर रखी है, चाहे तो आप वो देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल गाड़ी का कम्प्लीटली चेंज हो जाता है सिर्फ एक अलॉय व्हील से। ये काफ़ी प्रीमियम एंड ब्यूटीफुल लगता है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, जो मैंने मॉडिफिकेशन करवा रखी है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सीट कवर जो मैंने चेंज कराई है, इसकी कॉस्ट है 7,080 रुपीज़। अब बैक से देख लेते हैं ये कैसी लगती है। ये काफ़ी प्रीमियम है और फिटिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। आइए अब चलते हैं, बैक ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखेगी सनशेड, अभी क्योंकि बारिश का मौसम है तो मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखा है। इसकी कॉस्ट है 1,432 रुपीज़। एंड इसके नीचे आपको दिख रहा होगा रियर पार्सल ट्रे, जिसकी कॉस्ट है 1,580 रुपीज़। ये आप देख सकते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं हमने क्या और इंस्टॉल कर रखी है इसमें। तो आपको दिख रहा होगा मड फ्लैप, जिसकी कॉस्ट है 1,071 रुपीज़। एंड फर्दर स्टीयरिंग कवर मैंने इंस्टॉल कर रखी है, जिसकी कॉस्ट है 960 रुपीज़। म्यूज़िक सिस्टम मैंने अलग से इंस्टॉल कर रखी है, जिसकी कॉस्ट और डिटेल्स मैंने अपने दूसरे वीडियो में डाल रखी है। नेक्स्ट है ये फ्लोर मैट, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कंपनी ने मुझे प्रोवाइड की है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एसेसरीज़ उनसे लिया था, बट ये उतनी अच्छी नहीं है क्वालिटी इसकी। नीचे आप देख सकते हैं फ्लोर कम्प्लीटली लैमिनेटेड है, इसकी कॉस्ट थी 5,110 रुपीज़। फ्रंट एंड रियर बोथ साइड ये कम्प्लीटली लैमिनेटेड है। इसके ऊपर आप कोई भी फ्लोर मैट आसानी से रख सकते हैं, जो कि कंपनी ने मुझे प्रोवाइड किया है। वो रबर क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो साइड से मुड़ जाता है, जैसा आप देख सकते हैं। आइए हम पीछे देखते हैं। तो ये सेम फ्लोर मैट है और नीचे फ्लोर कम्प्लीटली लैमिनेटेड की गई है। आप आसानी से इसे वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दो फ्लोर मैट प्रोवाइड की गई है, जो कम्प्लीटली पीछे वाली स्पेस को कवर कर लेता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्कफ प्लेट,
जिसकी कॉस्ट है 718 रुपीज़। ये नॉन इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट है और अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सा गंदा है, इसलिए आपको लुक कम्प्लीटली पता नहीं चल रहा होगा, बट ये काफ़ी सुंदर दिखती है जब कम्प्लीटली गाड़ी वॉश रहती है और बिल्कुल साफ़ रहती है। आपको दूसरी साइड से मैं दिखा देता हूँ ये कैसा लग रहा है। ये बेसिकली शाइन करती है, बट प्रोवाइडेड आपकी गाड़ी थोड़ी साफ़ रहनी चाहिए जिससे वो क्लियरली पता चल पाए। अभी क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई है तो इसलिए ये गाड़ी अभी गंदी पड़ी हुई है, मैंने वॉश नहीं करवाया है। फ़िलहाल अभी भी बारिश हो रही है तो आप देख सकते हैं स्कफ प्लेट। एक बार मैं दोनों डोर्स को ओपन करके आपको दूर से दिखा देता हूँ ताकि ये गाड़ी कैसी लग रही है। देख सकते हैं आप, दिस ब्लैक कलर इज़ एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल, प्रोवाइडेड आप इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं एवरी 2 or 3 days डिपेंडिंग ऑन आप किस सिचुएशन में ड्राइव करते हैं। एंड फाइनली अब हम देखते हैं इसकी बॉडी कवर को। इस बॉडी कवर की प्राइस है 1988 रुपीज़ और ये दिखने में काफ़ी अच्छी है, बट ये बॉडी कवर वाटर प्रूफ नहीं है तो बेसिकली जब भी बारिश होगी तो आपको पैचेस दिखेंगे गाड़ी में जिसको कि आपको वॉश करना पड़ेगा, अदरवाइज़ लुक इसकी काफ़ी डिसेंट है और ये कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करती है गाड़ी को। और नीचे में इलास्टिक दी हुई है तो ये आपकी गाड़ी को होल्ड कर लेती है फर्मली, अदरवाइज़ इट्स गुड बट मटेरियल इज़ नॉट वाटर रेजिस्टेंट और वाटर प्रूफ। तो टोटल कॉस्ट अगर आप ऐड करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1,03,781 रुपीज़।